प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में करीब 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, हमें अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लेना चाहिए संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्य प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2024 तक प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। सभी विभागों के सचिव भी रहे मौजूद। और पलामू के बिसराव जंगल में पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। कई राउंड की फायरिंग के बाद भागे उग्रवादी। चाईबासा में नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक को करीब 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दरमियान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के नवघोषित राजस्व गांवों के लाभार्थियों को हक्कू पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं के लिए बीते 8 वर्षों में अनेक प्रावधान किए गए हैं। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक, सभी का जीवन बेहतर हो। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में फसल भी अच्छी हो और फैक्ट्रियों का भी विस्तार हो। और साथियों, ये तभी संभव है जब हम बीते दशकों के खराब अनुभवों, गलत नीति रणनीति से सीखें, उन्हें फिर से दोहराने से बचें। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री आज मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने 38,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा अंधेरी पूर्व से दहीसर पूर्व मुंबई मेट्रो लाइन 7 के दूसरे चरण का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिकाओं का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ भी आकर्षित करूंगी। मुंबई 1,30,00,000 से भी ज्यादा आबादी वाले इस शहर को एक बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित यातायात के साधन की जरूरत रही है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य में संचालित जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में जल नल योजना की रफ्तार बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 61 लाख घरों में से 18 लाख घरों तक इस योजना का लाभ पहुंच चुका है। श्री शेखावत ने कहा कि शेष घरों तक नल से जल 2024 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की भौगोलिक बनावट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कार्य की रफ्तार में थोड़ी कमी आई थी। उन्होंने आगे कहा कि 2024 को लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। समीक्षा बैठक से पहले झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना की प्रगति को लेकर बातचीत हुई। इससे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोरदार स्वागत हुआ। राज्य के विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी इस दौरान मौजूद थे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 तक हर घर नल जल योजना को पूरा किया जाएगा। कि किस तरह से रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, अभी जो शेष समय बचा है उस शेष समय में, क्योंकि अभी तो एक साल से भी ज़्यादा समय बचा है, उस शेष समय में हम कितने कनेक्शंस और कितने घरों को जोड़ सकते हैं, कितने प्रतिशत और घरों को जोड़ सकते हैं, पहले इस पर विचार किया जाए। क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या कारण है, इन सब विषयों की समीक्षा करके आगे तदनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की और कई निर्देश भी दिए। इस बैठक में सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे। सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय समिति इन दिनों स्टडी टूर पर हैदराबाद में है। इस समिति में रांची के सांसद संजय सेठ भी हैं। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज यहां सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श हुआ है। इस दौरान डाक विभाग के द्वारा किए जा रहे नए प्रयोग और उसकी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा यहां भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ डिजिटल पेमेंट और आम जनता के डेटा सुरक्षा पर विमर्श हुआ। आज राजधानी रांची के कुदलोंग में अखिल भारतीय विद्या भारती शैक्षणिक समिति के अधिकारी और पूर्व छात्रों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मिलन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि विश्व को विनाश से बचाने के लिए बंधुत्व, शांति और सहिष्णुता जैसे भारतीय सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सरायकेला खरसावां स्थित गम्हरिया में दिवंगत भाजपा नेता गणेश महतो के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय गणेश महतो पार्टी के सच्चे कर्मठ और सच्चे सिपाही थे। सांसद प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने कार्यों का हमेशा निर्वहन किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर आज रांची के बालकृष्ण उच्च विद्यालय परिसर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालकृष्ण उच्च विद्यालय और मारवाड़ी उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को, आजकल क्या होता है, बच्चों को जितना टेंशन होता है उससे ज्यादा बच्चों के मम्मी पापा को होता है कि नहीं होता है? आपके मम्मी पापा को भी होता है टेंशन? बच्चों के मम्मी पापा को और बच्चों को टेंशन नहीं हो, इसके लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया। आप में से किसी ने पहले कभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है? 2018 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो परीक्षा देने जाने वाले हैं, आपकी बात 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा देंगे 9 10 11 12 की, उन सब से एक बार बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब 27 तारीख को एक बार फिर आप सबसे बातचीत करने वाले, और वो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के टिप्स, के परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, इसके टिप्स आप सबको देने वाले। परीक्षा पे चर्चा का चारों ओर उत्साह है। रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी इसे लेकर विशेष आयोजन किया जा रहा है। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने प्राचार्य राम सिंह से विशेष बातचीत की। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे, जिसमें खास तौर पर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और साथ ही साथ बच्चों और उनके पेरेंट्स उसमें शामिल होंगे। और पूरे देश भर में एक तरीके से एक माहौल पूरा बन गया है। आखिर प्रधानमंत्री क्या कुछ इस तरीके से करेंगे, जो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों पर थोप रहे हैं, उस वजह से बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं और एग्जाम का एक फोबिया क्रिएट हो गया है, वो कैसे खत्म हो, इस पर प्रधानमंत्री बच्चों को टिप्स देंगे, उनके पेरेंट्स को टिप्स देंगे, टीचर्स को टिप्स देंगे। आज हम दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची में हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल राम सिंह हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये एक्सपेक्टेशन है वो बच्चों पर कितना हावी होता है। देखिए, बच्चों को जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए, उसमें थोड़ी उनकी चिंता रहती है, स्ट्रेस तो आ जाता है, और अच्छे बच्चों में ही आता है, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, अपना टारगेट ऊपर रखे हुए हैं, उनको होता है। पेरेंट्स का, टीचर्स का भी थोड़ा रहता है कि बच्चे अच्छा करें, इसलिए थोड़ा हम स्ट्रेस नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं थोड़ी जिम्मेदारी रहती है, जिसके कारण थोड़ा सा तनाव में होते हैं, लेकिन तनाव के कारण वो अच्छा कर भी पाते हैं। तो 27 जनवरी को जैसा आपने बताया, प्रधानमंत्री जी बच्चों से बात कर रहे हैं, 2018 से यह इनिशिएटिव शुरू हुआ था। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री एक हर बच्चे से संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और बच्चों को कैसे तनाव से दूर को हो, इसके बारे में बच्चे अपने सवाल को पूछ सकते हैं। तो एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री के द्वारा, और बच्चे बड़े आशान्वित भी हैं और उत्साहित भी हैं उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बच्चे तो हैं ही, थोड़े जागरूक भी बच्चे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हैं। डीपीएस में एक नई पहल भी यहाँ पर लगातार कई सालों से की गई है कि जो एग्जाम का फोबिया है उसे खत्म करने का प्रयास डीपीएस में किया गया है, और उसमें डॉक्टर राम सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है। मंडे टेस्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों में जो एक एग्जाम का फोबिया होता है, जो डर होता है, उसे खत्म करने का लगता है उससे खत्म हो रहा है बच्चों में ये डर? देखिए, हमारा कहना है कि जो एग्जामिनेशन से ज़्यादा हम अगर लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते हैं और एग्जामिनेशन हमारे स्टडी पैटर्न का रूटीन बन जाए, तो हमको लगता है कि उस एक एग्जाम ना हो के हमेशा बच्चे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो स्कूल के कुरिकुलम का पार्ट बना हुआ है। जैसे आपने कहा कि मंडे टेस्ट होता है, उसके बाद हमारा एबिलिटी टेस्ट होता है, और हर एग्जामिनेशन में बच्चे कुछ सीखते हैं, क्या उनकी कमियाँ हैं, अगर उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि कमियाँ जो है वो कम होती जाती हैं और बच्चे को मार्क्स जो है इम्प्रूव होते जाता है। आगे जाके हमारे बहुत से दो प्री बोर्ड होते हैं, उसमें हम पेरेंट्स के साथ भी बैठते हैं, जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते
आते हैं तो पेरेंट्स, बच्चे और टीचर साथ में बैठ के हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह की कमी है और कैसे दूर किया जा सकता है, तो बच्चे फिर इम्प्रूव करते हैं। हर एग्जामिनेशन में पिछले एग्जाम से बच्चे इम्प्रूव करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी शायद ये प्रैक्टिकली समझा होगा कि लोगों में, बच्चों में एग्जाम को लेकर एक डर होता है और वो यहाँ पर संवाद के जरिए भी लगा। एक आखिरी सवाल हम प्रिंसिपल साहब से जानना चाहेंगे, ये जो बच्चों में डर एग्जाम के प्रति है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब संवाद करेंगे तो ये खत्म होगा। आप लोग अपने स्तर पर भी इस डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन तो बना ही है जिसकी वजह से बच्चों पर एक दबाव एग्जाम का रहता है। देखिए, इस साल थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि बच्चे 10th क्लास बोर्ड नहीं दिए थे कोविड के चलते, क्योंकि 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और 10th वाला स्वाभाविक है पहली बार है, तो चूंकि ये बच्चों के लिए जरूरी है कि इनकी काउंसलिंग किया जाए, मोटिवेशन किया जाए और जो एग्जामिनेशन फीवर है या स्ट्रेस को दूर किया जाए। स्कूल अपने तरह से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चूंकि उनका रूटीन का है 18 से शुरू किए थे और इस बार बच्चों से फिर से बात करेंगे और चूंकि वो बहुत प्रैक्टिकल टिप्स जो है और अपने पूरे जिंदगी के अनुभव को लेके बात करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होता है। स्कूल अपने स्तर पर कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री का जो बच्चों से परीक्षा पे चर्चा है वो बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो परीक्षा पर चर्चा निश्चित तौर पर लाभदायक होगा और कोरोना काल के बाद बच्चे उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जब एक काउंसलर की तरह इन बच्चों से संवाद करेंगे, उनके पेरेंट्स से संवाद करेंगे और टीचर से संवाद करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा फायदा इन बच्चों को होगा। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षार्थियों से संवाद कर उन्हें सफलता का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का पिछली बार हिस्सा रही झारखंड की पतरातू केंद्रीय विद्यालय की छात्रा श्वेता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिले टिप्स का उनके जीवन में काफी फायदा हुआ है। झारखंड की पतरातू केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा श्वेता कुमारी को भी पिछली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला था और उन्होंने प्रधानमंत्री के सुझावों पर अमल करते हुए अच्छे नंबर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। श्वेता ने इस दौरान प्रधानमंत्री से प्रश्न किया था कि रात में पढ़ाई करने में मन लगता है लेकिन सभी लोग मुझे दिन में पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे अपने मन की सुने और सुविधा अनुसार ही पढ़ें। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा को त्योहार के रूप में लेने का आह्वान भी किया था। पीएम सर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे लोगों को वो लोग भी कोशिश करते हैं कि पीएम सर से बात करने का उन लोगों को भी मौका मिले। श्वेता कुमारी के पिता कृष्णा प्रजापति मोटर मैकेनिक हैं और माँ सीमा देवी गृहिणी हैं। श्वेता की माँ सीमा देवी बताती हैं कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद श्वेता के अंदर काफी बदलाव आया है। पहले परीक्षा को लेकर उसे भय लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। श्वेता पढ़ाई में भी मन लगाने लगी है। मैं बदलाव आया कि पढ़ती है रात को और स्कूल भी अच्छा से जाती है और मैट्रिक में एग्जाम दी तो अच्छा से दी, उसका नंबर भी अच्छा आया और अभी इंटर में है। पहले परीक्षा को लेकर उसको अंदर में भय लगता था? हाँ, भय लगता था, डर लगता था, बोलते थे पता नहीं हम का होगा नहीं होगा। तो फिर बोले कि बात की मोदी सर से तो बोले कि अब मेरा डर हट गया। वही श्वेता के पिता कृष्णा प्रजापति का भी मानना है कि प्रधानमंत्री के मोटिवेशन से ही उनकी बेटी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है जिससे वो परीक्षा में बेहतर परिणाम दे पाई। परीक्षा पर चर्चा हुई थी मोदी सर से और ये हुए कि जब चर्चा हुआ तो कहने का मतलब है उसका डर हट गया। परीक्षा पर जो भी आया नंबर तो अच्छा नंबर आया और अभी इसमें जो भी बच्चा मोदी जी के मतलब भाई होने वाला है तो उसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा भाग ले और अच्छा से अच्छा बेहतर करने का कोशिश करे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से प्रोत्साहन पाकर श्वेता कुमारी ने जिस तेज गति से कामयाबी हासिल की और अपने कदम बढ़ाए हैं उससे पास पड़ोस में आज हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है। साथ ही
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को परीक्षार्थियों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे जुड़ना सफलता की गारंटी है। कृष्णा जी के पड़ोस में रहता हूँ, उनकी बच्ची का पिछले बार परीक्षा पे चर्चा पीएम सर के साथ था, उसमें वो पार्टिसिपेट की थी, हमने भी सुना और बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे जो ओकेजन आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और बच्चों को जितना प्रोत्साहन मिल रहा है उनसे, ये हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ और एक सशक्त समाज के निर्माण में जो योगदान है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गीता का सार है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। इसी भाव के साथ बोर्ड की परीक्षा देनी चाहिए। वैसे भी बोर्ड परीक्षार्थी यानी एग्जाम वॉरियर्स कभी हारते नहीं हैं, या तो वो जीतते हैं या सीखते हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने आज चक्रधरपुर शहर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान रैव के पदाधिकारियों और जवानों के अलावे स्थानीय थाना प्रभारी चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। रैव के कमांडेंट प्रकाश चंद्र ने बताया कि एक स्वच्छ समाज के लिए स्वच्छता जरूरी होती है, जिससे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। का जो बेसिक ड्यूटी है वो शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की, इसमें स्थानीय पुलिस की सहायता करने की। तो हमारा मेन ध्येय है सुरक्षा, शांति और स्वच्छता। आज का हमारा यही ध्येय है कि शहर वाले सुरक्षित महसूस करें, शहर सुरक्षित महसूस करें, आम जन शांतिपूर्वक रह सके, और स्वच्छता से किसी भी विकसित समाज का जो एक प्रथम चरण है वो स्वच्छता से ही दिखता है। मैं देखिए, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है, जो रैफ जो आई हुई है, तो हमारे रैफ के कमांडेंट साहब के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी है, जिसमें सहयोग करने के लिए निर्देशित किया। तो मेरा इसमें यह कहना है कि स्वच्छता जो है तन की, मन की और समाज की होनी चाहिए, जरूरी चीज है। और जिला नियोजनालय लोहरदगा में आज भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में गुजरात से आई कंपनी के प्रतिनिधियों ने कैंप में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की और इसके बाद दर्जनों अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इस तरह के प्रयास से जिले में नियोजन की रफ्तार को बढ़ावा मिलेगा। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र स्थित सिंह नगर गुलगुलिया बस्ती में सिंह मैंशन समर्थक और रघुकुल समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से दर्जनों बम और गोलियां चली। दोनों तरफ के समर्थकों के बीच हुई तलवारबाजी और पत्थरबाजी में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची के सुखदेव नगर इलाके में प्रेम प्रसंग और धर्मांतरण के दबाव में आकर एमबीए के छात्र का आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक छात्र का नाम दीपक है और वो अपनी बहन के साथ रहकर पढ़ाई करता था। इस मामले में पुलिस मृतक दीपक के पिता का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। गोड्डा में कोयला खनन को लेकर प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद आदिवासी भड़क गए और हमला कर दिया। झड़प में 5 जवान घायल हो गए हैं। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मीटर पिकेट के समीप जिला पुलिस सीआरपीएफ के साथ उग्रवादी संगठन टीपीसी की मुठभेड़ हुई। दोनों से कई राउंड गोलियां चली, इसके बाद उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। मौके से पुलिस ने एक एयर गन समेत कंबल, मोबाइल, टेंट सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित हिंदू पीठ परिसर में शिवलिंग हटाने पहुंची टाटा स्टील, यूआईएसएल और प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने प्रशासन को रोक दिया। विरोध के बीच दालभूम एसडीओ पीयूष सिन्हा,
डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता, बिष्टुपुर पुलिस समेत टाटा स्टील यूआईएसएल के पदाधिकारी मौजूद थे। रांची का पारस हॉस्पिटल अब सीजीएचएस से जुड़ गया है। अब सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े किसी भी मरीज का इलाज पारस हॉस्पिटल में हो सकेगा। यहां के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहास आराध्य ने बताया कि पारस हॉस्पिटल अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में करीब 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, हमें अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लेना चाहिए संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्य प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2024 तक प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। सभी विभागों के सचिव भी रहे मौजूद। और पलामू के बिसराव जंगल में पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। कई राउंड की फायरिंग के बाद भागे उग्रवादी। चाईबासा में नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील।